उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर आज दिनभर मतदान हुआ और इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई थी, जहां एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई थी। लड़की की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी नेता प्रशांत यादव पर लगा है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती ने बीजेपी को वोट देने के लिए कहा, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब चलिए आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही हैं डिंपल यादव और अखिलेश यादव, सुनवाते हैं। ये इस तरह की झूठी अफवाह फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ क्योंकि हार रही है और जिस तरह ये अफवाह फैलाने का काम कर रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है, और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। कभी समाजवादी पार्टी जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है, आपको नहीं समझ में आता इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो कि कौन बेईमानी कर रहा होगा। बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं, बेईमानी। इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने, इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें, क्या इन्होंने विकास पर वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाय इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं अपने वोटरों से, हम मतदाताओं से अपील करेंगे लगातार कि वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें। एक बार अगर पुलिस वापस करती है दोबारा जाएं, अपना आईडी कार्ड मांगें और जो संबंधित अधिकारी आपसे छीन रहे उनका वीडियो बनाइए और वीडियो हम लोगों को भेजिए, जारी करिए। और कुनरकी में तो हमारा प्रत्याशी खुद ही कह रहा है, सबके पास वीडियो है, किस तरीके से बेईमानी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम तब भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो अभी आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात सुनी, चलिए अब आपको सुनवाते हैं पुलिस इस पर क्या कह रही है। देखिए, कल रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गायब हो जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा दो लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आप किस देखते इस खबर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।